नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति। तो आज हम बात करेंगे देश की सबसे दिलचस्प और सबसे बड़ी खबर पर जो निकल के आ रही है, दिशा और ग्रेटा की चैट लीक, व्हाट्सएप चैट लीक। आखिर ये व्हाट्सएप चैट थी किस बारे में, और जो लोग कह रहे थे कि दिशा निर्दोष है या दिशा का साथ दे रहे थे या ये कह रहे थे कि दिशा को बेवजह फंसाया गया है, तो आज हम पूरे सबूत के साथ सामने आए हैं कि दिशा और ग्रेटा की आखिर पूरी प्लानिंग क्या थी। जहां ये चाहते थे कि देश विदेश में हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, हिंदुस्तान का नाम खराब किया जाए, ये पूरी प्लानिंग थी इनकी, एक एक चीज़ प्लान थी। आज उस चीज़ का पूरा खुलासा किया गया है, व्हाट्सएप चैट लीक हुई है दिशा और ग्रेटा की, जहां से हमें ये पूरे सबूत मिले हैं कि ये जो टूल किट लीक हुई थी वो एक पूरी सोची समझे साजिश थी। तो जी हाँ, जो 3 फरवरी को टूल की ग्रेटा ने डाली थी, अपलोड की थी अपने ट्विटर हैंडल पर, वो असलियत सामने आ चुकी है। इनकी प्लानिंग थी कि 4 तारीख और 5 तारीख को ये एक और ट्वीट करेंगे, जिसमें था, जिसका नाम था #storm, जहाँ पे वो एक ऐसा अफवाह फैलाते या एक ऐसा हैशटैग चलाते जिससे पूरे देश विदेश में भारत की बदनामी होती। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद इनकी प्लानिंग थी कि 14 फरवरी को आस्क इंडिया वाई करके भी एक हैशटैग चलाते, पर 3 फरवरी को जो इनकी टूलकिट लीक हुई, उसके बाद इन्होंने अपने इस प्लान को अबॉर्ट करने का डिसाइड किया। उस दौरान इनकी ये चैट पे बात चल रही थी कि अब हम क्या करें, एक और नए टूल किट की भी प्लानिंग हो रही थी। अब जब दिशा को पकड़ा गया, उन्होंने अपनी सारी चैट व्हाट्सएप की डिलीट कर दी थी, उन्होंने अपने सारे फ़ोन के डाटा डिलीट कर दिए थे, पर फाइनली उन्हें रिकवर कर लिया गया है, उनकी चैट सामने आ गई है। और जो ग्रेटा, जो कि स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, उनकी असलियत सामने आ चुकी है, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने गलत हैं और उनकी क्या प्लानिंग थी। तो आज जो हाल है किसान आंदोलन का, वो शायद कुछ और होता अगर इनके टूल किट के हिसाब से या इनकी प्लानिंग के हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें हो गई होती, तो शायद नज़रिया और रूप कुछ और ही होता। पर इस व्हाट्सएप चैट के लीक के बाद अब ये तो प्रूफ हो चुका है कि दिशा निर्दोष नहीं है, और साथ में ग्रेटा भी, और वो सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो किसान आंदोलन के हक में आए थे, वो आज पूरी तरह से गलत प्रूफ हो चुके हैं। जैसा कि सारी असलियत सामने आ चुकी है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसके पक्ष में हैं, और ये आप कैसे हमें बताएंगे। आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना पक्ष लिख सकते हैं, और ऐसा करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी और देश के लिए भी। धन्यवाद।